ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने मुरादाबाद के अधिवक्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए धरने पर बैठी महिला कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक संगठन के पदाधिकारी हरकिशोर सिंह एडवोकेट एवं मोहम्मद गौरी एडवोकेट के संयुक्त नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारे बुलंद किए। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। मांग उठाई गई है कि भाजपा सांसद कुश्ती संघ के अध्यक्ष को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके पर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी पेश किया गया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा, आज पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर हमारे देश की होनहार बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया पहलवान, वो आज एक FIR के लिए उन्हें धरना देना पड़ रहा है, सड़क पर आना पड़ रहा है। कई दिन से वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रही है, उनको बचा रही है। ये एक शर्मनाक बात है। यौन उत्पीड़न के मामलों में तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए। आज हम इस मंच के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज हो और उन महिला पहलवानों को न्याय मिले। देश के अंदर जिस तरीके से महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, ये गंभीर मसला है। न्याय क्षेत्र में ये सीधा सीधा लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है कि जब कोई महिला ऐसा सवाल उठाते हैं तो उसमें तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए। जहां FIR दर्ज नहीं होती वहां घटनाएं गंभीर होती हैं। देखिए, हमारे बराबर पहलवान है जो विदेशों से पदक लाई हुई है, जंतर मंतर पे बैठी है, हम इनका समर्थन, आज हमने ये धरना दिया है, इनके समर्थन में दिया। एक कानून ये कहता है, कानून में एक नियम है, जब मैं अधिवक्ता हूँ तो इस बारे जानते कि किसी भी मुलजिम को सजा दिलवाने के पीड़िता के बयान ही काफी है। और अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है, अगर सरकार से गुनाहगार साबित करना चाहते, एक महिला को लाके खड़ा कर देती है, वो उसके खिलाफ बयान देती है और वो जो आदमी वो जेल काटता रहता। लेकिन क्या ये जो किस प्रकार का सबूत चाहिए कि ये दोषी को, ब्रजभूषण सिंह को दोषी करार देने के लिए किस प्रकार का सारी एक कितनी सारी हमारी जो देश की नेतृत्व करने वाली महिलाएं हैं, जितने हम अपने बच्चों को आइडियल बनाते हैं कि अरे बेटा देखो इन जैसा बनना, ये आइडियल लेडीज हैं, इन्होंने बचपन से हार तोड़ के मेहनत करी है, इन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लिए हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, ऐसे गोल्ड मेडल आए। इनका शोषण हो रहा और इनके बयान बिचारी जनवरी में, बिचारी का क्या होती होता कि आज जो भी जनवरी में बैठी उसके बाद आज ये बैठ के जाँच करें कितने हमारे देश में ऐसे कर्णधार हैं जो महिलाओं के रक्षक बनते हैं लेकिन वास्तव में भक्षक हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कृत्य, यौन कृत्य महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध है। वो महिलाएं जिन्होंने तिरंगे की शान को ऊंचा किया, भारत का नाम विदेशों में रोशन किया, आज भारत सरकार उनके साथ क्या कर रही है? ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, बल्कि उल्टा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। यदि संसद सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार करेगी ये सरकार, तो आम नागरिकों का सरकार पे से विश्वास उठ जाएगा, और पहले तो उठ ही चुका है, क्योंकि ये पूरी तरह से अपने नेताओं को संरक्षण देते हैं। अन्याय के खिलाफ बोलना कोई जुर्म नहीं है। जो आज ये महिलाएं बैठी हैं जंतर मंतर पर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने जो कृत्य किया है उस लेडीज के साथ जिसने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का मान बढ़ाया, उन लोगों ने उसके साथ जो भी कृत्य किया है, बलात्कार किया है या यौन उत्पीड़न किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हमारी सरकार इसमें विफल है, FIR दर्ज नहीं करा सकती, तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करके उसकी बात को मानना चाहिए कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जिसने इस महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया है। ये बहुत शर्म की बात है कि जिस लेडीज ने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया, उस लेडीज को अपने ही देश में न्याय लेने के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। बहुत अपमानजनक बात है। हमारी सरकार की बहुत बेइज्जती भारत देश में हो रही है, हमारे देश का अपमान हो रहा है। इस अपमान को बचाने के लिए तुरंत सरकार एक्शन ले और इनके खिलाफ FIR दर्ज करें, यही हमारी मांग है। इस मौके पर मोहम्मद अरशद एडवोकेट, मोहम्मद गौरी एडवोकेट, विनोद कुमार विकल एडवोकेट, विनोद कुमार विग एडवोकेट सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।